हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 18 जुलाई। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। अगर बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की, तो यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जो कि 1994 से लेकर 1999 के बीच में रहे हैं। इनको 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करें 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे क्यों मनाया जाता है, तो यह इनको सम्मान देने के लिए, टू ऑनर द लेगेसी एंड वैल्यूज ऑफ नेल्सन मंडेला। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। तो हाल ही में अश्वनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अगर बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो रिप्लेस इन्होंने किया है हरदयाल प्रसाद को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1998 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन नाम से भारत का पहला स्वदेशी विकसित निमोनिया वैक्सीन विकसित किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड निमोनिया वैक्सीन नेम्ड न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन? तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत का पहला स्वदेशी विकसित निमोनिया वैक्सीन विकसित किया है, जिसको न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे साइरस एस पूनावाला, और इसका फाउंडेशन हुई थी 1966 में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट कॉल्ड मेडिकैब? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट विकसित की है, जिसको मेडिकैब के नाम से जाना जाता है। यह है वो पोर्टेबल यूनिट, आप देख सकते हैं, इसको कहीं भी आसानी से एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर बात करें इस मेडिकैप की, तो यह एक फोल्डेबल 4 जोन कंपार्टमेंट होगा, जिसमें एक डॉक्टर रूम होगा, और एक आइसोलेशन रूम, और एक मेडिकल रूम, और एक ट्विन बेड आईसीयू की सुविधा भी इसमें मौजूद होगी, जो कि कोरोना काल में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम? तो हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करते हैं निष्ठा प्रोग्राम की, तो यह है क्या? निष्ठा स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। तो यह निष्ठा प्रोग्राम के तहत हमारे देश के सभी शिक्षकों को एक प्रकार से शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनको शिक्षण कार्य में सहायता मिल सके और उनको एडवांस तरीके से ट्रेन किया जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? तो हाल ही में भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप करने के लिए एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। तो हाल ही में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यह एमओयू साइन किया है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ, जो कि एनर्जी सेक्रेटरी है उनके उनके साथ। तो हमें यह जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें यह जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने यहाँ जो क्रूड ऑयल होता है उसको
रिजर्व या स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा सकें, जो कि हमारे यहाँ हमारे खुद के देश भारत में बहुत ही कम है। तो अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी है अमेरिका की यूएस डॉलर, और यूएस की प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पीएसयू ने भारत में व्यापार के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच पीएसयू हैज साइंड एमओयू विद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया? तो हाल ही में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ, ताकि वह अपने व्यापारिक जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर उनको बढ़ा सकें। अगर बात करते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की फाउंडेशन हुई थी 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। और अगर बात करते हैं एनआईआईएफ की, जो कि है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है सुजॉय बोस, और यह देश के अंदर पहला इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसकी फाउंडेशन 2015 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने ऑर्केस्ट्रा टेक में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंपनी हैज प्लान टू एक्वायर 100% स्टेक इन ऑर्केस्ट्रा टेक? तो हाल ही में ऑर्केस्ट्रा टेक एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। अगर बात करें इसको 100% स्टेक खरीदने की, इसमें किसने तैयारी की है? तो इसमें तैयारी की है लार्सन एंड ट्रूबो ने। लार्सन एंड ट्रूबो की जो टेलीकॉम सर्विसेज डिवीजन है, उसने ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी के अंदर 100% स्टेक खरीदने के प्लान किया है, और यह डील लगभग 187 करोड़ के आसपास की होगी। तो अगर बात करते हैं लार्सन एंड ट्रूबो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में, और इसकी फाउंडेशन 2012 में हुई थी, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी है लार्सन एंड ट्रूबो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबोन? तो गैबोन पहले जान लेते हैं, गैबोन है क्या? गैबोन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल लाइब्रेविले है, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। तो इसकी हाल फिलहाल में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, रोज क्रिस्टीन ओसुका रापोंडा, ये हैं रोज क्रिस्टीन जी, और यही गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। अगर बात करते हैं गैबोन के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अली बेंगो ओंडिम्बा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस राज्य में स्थित है? इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हमारा देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, जो कि अंजी खाद ब्रिज है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में यूनियन टेरिटरी में स्थित है। यह है अंजी खाद ब्रिज, आप देख सकते हैं, यह केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है भारत का इकलौता, जो कि कनेक्ट करेगा कटरा और रियासी को इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और इस ब्रिज का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? इसका डेवलप कर रही है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 473 मीटर्स के आसपास। तो चलिए अगर बात करते हैं हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर है देश के पीयूष गोयल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड बायलेटरल एग्रीमेंट्स विद विच कंट्रीज टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स? तो हाल ही में COVID-19 के खतरों को देखते हुए भारत ने दो देशों के साथ बायलेटरल समझौते साइन किए हैं, जिसके तहत भारत और उन देशों के बीच में फ्लाइट्स का आवागमन निर्धारित किया जाएगा। तो ये दो देश हैं यूएसए एंड फ्रांस।
तो हाल ही में हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने बताया कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस के साथ एक बबल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इन दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स का आवागमन निर्धारित किया जा सकेगा। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस विल बी फ्लाइंग 18 फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस फ्रॉम जुलाई 17 टू जुलाई 31, एंड एयर फ्रांस विल ऑपरेटिंग 28 फ्लाइट्स बिटवीन दिल्ली मुंबई बेंगलुरु एंड पेरिस फ्रॉम जुलाई 18 टू अगस्त 1। इसी तरह का एग्रीमेंट साइन करने की बात किसके साथ चल रही है? जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो अगर बात करते हैं यूएसए एंड फ्रांस की, तो यूएस फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो और फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। इसी तरह यूएसए की बात करें तो यूएसए के कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीएसई ने हाई स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली सीबीएसई हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हाई स्कूल करिकुलम। तो हाल ही में सीबीएसई ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के साथ, जो कि आईबीएम है, उसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि वह अपने हाई स्कूल के करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक को इंटीग्रेट कर सके। तो अगर बात करें इस पार्टनरशिप की, तो इस पार्टनरशिप के तहत देश भर के 200 स्कूल्स में यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। देश भर के जो 200 स्कूल हैं वो 13 राज्य में स्थित हैं, जिनमें कर्नाटका, दिल्ली एनसीआर, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब राज्य होंगे। तो अगर बात करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। और सीबीएसई का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। अगर बात करते हैं आईबीएम की, तो आईबीएम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? वर्जीनिया एम रोमेटी। और आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा जी। अगर बात करते हैं आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, डिस्कस करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो हाल ही में अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, कौन सा देश एशिया कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप टूर्नामेंट 2021? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, इसको डिस्कस करेंगे हम कल। तो चलिए इसके साथ ही, अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स आसानी से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।